A very good morning to all of you. I am Kaikesha, faculty of Target with SK and teams. So today we are going to study one of the finest novel of Charles Dickens, that is Bleak House. Actually, it is a novel which was published in serials. Actually, we all know that he was the first English writer who started publishing his novels in serials or monthly basis. So it started in this novel also started publishing serially, and it was started publishing in 1852 and it ends in 53. Okay, so this is the date, this is the publishing date, you all have to remember it. So ye jo story hai, it is all about the Jaundice family. Ye Jaundice family ki story hai jisme kis tarike se inke upar jo hai ek property ka case chalte rehta hai. Sabko pata hai ki property ka case kitna lamba chalta hai aur kabhi kabhi log ekdam pareshan aur kis tarike se court case mein jo hai log barbaad ho jate hain, unki life spoil ho jati hai. Isi ko jo hai isme batane ki jo hai Charles Dickens ने कोशिश की है. तो नाउ वी कम टू द नॉवेल्स के, अब हम लोग समरी देखते हैं. ओके, तो ये जो स्टोरी है इसमें एक प्लॉट तो है लेडी डेडलॉक का. ठीक है, तो लेडी डेडलॉक जो है वो एक बहुत ही घमंडी और क्या बोले उसको कि मतलब हॉट टेम्पर टाइप की लेडी है. ठीक है, तो बहुत ही इनका जो बिहेवियर है बहुत ही वियर्ड टाइप के बिहेवियर की लेडी है. ठीक है, और इनके जो हस्बैंड है सर लाइकेस्टर डेडलॉक, ये जो है क्या है इनके हस्बैंड है, ये एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक आदमी है. ठीक है, जो एक फैशनेबल सोसाइटी में रहते हैं, बहुत बड़ी जगह में रहते हैं. ठीक है, तो एक फर्स्ट कैरेक्टर जो है इसमें लेडी डेडलॉक है, जो कि वाइफ है किसकी, लेस्टर डेडलॉक की वाइफ है. ठीक है, और उसके बाद जो है क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी रहता है, एरिस्टोक्रेट रहता है, तो उनका जो है एक उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उनको देखता है, उसका नाम जो है मिस्टर टैल्किंगहॉर्न रहता है. तो टैल्किंगहॉर्न क्या है, लेडी डेडलॉक और जो है सर लाइकेस्टर डेडलॉक का क्या है, एक लॉयर है. तो ये हमें एक प्लॉट हो गया. इस प्लॉट में ये तीन कैरेक्टर. अब दूसरा प्लॉट जो है मतलब इस कहानी का जो दूसरा प्लॉट, इसमें दो तीन प्लॉट जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं. अब उसमें जो है एक कैरेक्टर है एस्टर. एस्टर क्या है, इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट. आप लोग कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए. तो एस्टर जो है वो क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है इस नोवेल का. और ये क्या रहती है, एक गरीब लड़की रहती है जो कि अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है, और उसके ग्रैंड मदर का नाम क्या रहता है, मिस बारबरी रहता है. ठीक है, उसके बाद जो है इसके ग्रैंड मदर के मरने के बाद मिस्टर कैंजर एक कैरेक्टर है जो आता है और उसके पेरेंटेज के बारे में थोड़ा सा उसको बताता है. उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है दैट इज मिस्टर जॉन्डाइस. मिस्टर जॉन्डाइस एक बहुत ही अच्छे आदमी है जो कि एस्टर के पेरेंट्स ग्रैंड मदर के मरने के बाद जो है उसकी देखभाल करते हैं और उसके नए गार्डियन बन जाते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें कैरेक्टर है मिस्टर जैलबी. मिस्टर जैलबी जो है एक्चुअली में ये एक सोशल वर्कर है और ये जो चैरिटी का वर्क करती है, अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या करती है, चैरिटी का वर्क करते हैं. ठीक है, उनकी एक बेटी है जिसका नाम कैडी है. ठीक है, मिस्टर जैलबी की एक बेटी है जिसका नाम जो है कैडी है. उसके बाद जो है एक कैरेक्टर है जिसका नाम मिस फ्लाइट है, जिससे मिलने के लिए जो है एस्टर जो है वो क्या आती है, लंदन आती है. ठीक है, इससे मिलने के लिए ही आती है. ठीक है, उसके बाद जो मिस इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये मिस्टर क्रूक जो है, ये एक कैरेक्टर है जो कि क्या कहते हैं, जिनकी एक शॉप होती है, बट ये क्या कहते हैं, उनके शॉप में कुछ लॉ के पेपर्स होते हैं, ये उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं. तो ये जो अपने हेल्प के लिए जो है जो जिसका वो हेल्प लेते हैं उसका नाम क्या होता है, नेमो होता है. तो नेमो क्या है, एक लॉ राइटर है. ठीक है, तो ये एक लॉ राइटर है और ये जो है इसका मिस्टर क्रूक का जो है जो लॉ का वर्क होता है उसको देखता है. इसका एक और नाम होता है, नेमो का एक और नाम होता है, आई एम राइटिंग दिस नेम. ओके, कैप्टन
कैप्टन हॉलन, ठीक है, तो ये उनका एक नाम, इसको आप लोग, मैंने बोल्ड में लिखा, ये नाम याद रखिएगा, क्लियर। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, नेमो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेल का, ओके। उसके अलावा कुछ और माइनर कैरेक्टर भी हैं, जैसे एक पुलिस वाला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बाद एक जॉ है जो भी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि नेमो का फ्रेंड होता है, ठीक है। उसके बाद एक लेडी है जो कि ब्लैक कपड़े में रहती है, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है कि एक्चुअली वो है कौन, तो वो भी एक कैरेक्टर है। दूसरा जो एक पुलिस वाला है जिसका नाम मिस्टर हाँ एक एक पुलिस वाला है जिसका नाम जो है मिस्टर बैकेट है। ये क्या करता है कि जब जिस टाइम में मर्डर होता है, नेमो का मर्डर होता है, तो वो क्या करता है, लोगों को बुलाता है पूछताछ के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद जो है एक इसमें कैरेक्टर है जिससे जो है एस्टर जो है वो प्यार करती है, वो एक डॉक्टर होता है जिससे जो है वो प्यार करती है, ठीक है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट कैरेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नॉवेल। ये कहानी जो है वो शुरू होती है लंदन से। लंदन में जो है एक फैमिली है जिसका नाम सर लाइकस्टर डेडलॉक है। तो ये फैमिली जो है बहुत ही अमीर है, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, और ये फैमिली जो है एक लंदन का एक बहुत ही फैशनेबल टाउन है वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर है और जो है सो एरिस्टोक्रेटिक है और बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं। तो ये इनकी अपनी रॉयलिटी है, और ये अपनी रॉयलिटी को दिखाने के लिए क्या रहते हैं, एक लंदन के बहुत ही फैशनेबल सोसाइटी में रहते हैं, और ये बहुत ही नोबल और जेंटलमैन है। बट इनकी एक वाइफ रहती है जिसका नाम लेडी डेडलॉक है। ये इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, ये बहुत ही हार्श है और बहुत ही प्राइड लेडी है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, और ये जाहिर से बात है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास अपने पर्सनल लॉयर होते हैं, पर्सनल डॉक्टर होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि मिस्टर टैल्किंगहॉर्न जो कि इन दोनों के लॉयर हैं, इनके फैमिली के लॉयर हैं, जो कि इनके लीगल इश्यूज को देखते हैं, वो इनके घर आते हैं, और घर आकर के क्या करते हैं, कुछ पेपर्स को चेक करते रहते हैं, ठीक है। जब कुछ पेपर्स को चेक करते रहते हैं तो लेडी डेडलॉक जो है इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मिस्टर टैल्किंगहॉर्न जो है वो किस तरह के पेपर्स को चेक कर रहे हैं। तो मिस्टर लेडी डेडलॉक जो है वो मिस्टर टैल्किंगहॉर्न से पूछती है कि आप क्या चेक कर रहे हैं, और ये जो पेपर्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है, ये किसके लिखे हुए। तो ये बड़ा ही अजीब सा इसको जवाब देता है, पता नहीं किसी अनजान लॉयर ने लिखे हैं ये पेपर, मुझे नहीं पता। अब ये इस तरह के जवाब से जो है वो लेडी डेडलॉक जो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, और वहाँ से उठ करके चली जाती है। तो ये तो हमारा एक प्लॉट है, अब हम इस स्टोरी को क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि जो एस्टर नाम की एक लड़की है जो कि इस नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है, और वो बहुत ही खूबसूरत है, बट वो अनाथ है, और वो उसको नहीं पता है कि उसके पेरेंटेज के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। और ये किसके साथ रहती है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है जिसका नाम मिस बारबेरी है, ठीक है। याद रखना कि एस्टर जो है हु इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, और वो एक ऑर्फन लड़की है, और वो रहती है किसके साथ, मिस बारबेरी के साथ वो क्या करती है, रहती है। तो मिस्टर बारबेरी जो है बहुत ही रिलीजियस टाइप की लेडी है, और
इसको पसंद नहीं है कि एस्टर किसी के साथ घूमे, किसी के साथ बात करे या फिर दूसरे बच्चों के साथ रहे। तो ये इसके साथ मिस्टर बार्बर जो बार्बरी है, इनकी जो ग्रैंड मदर है, वो क्या करती है एस्टर के साथ बहुत ही वियर टाइप का बिहेव करती है। तो एस्टर जो है वो उसे खुश नहीं रहती, उसके बिहेवियर से खुश नहीं रहती है। बट शी डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज शी डोंट नो अबाउट हर पेरेंट एज एंड शी मतलब वो कहीं जा नहीं सकती है। शी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो देयर। तो वो जो है उसकी हर बात को सुनती। एक दिन क्या होता है कि एस्टर का बर्थडे होता है और जो है वो अपनी जो है ग्रैंड मदर है उसे पूछती है ग्रैंड मदर से कि मतलब मेरी माँ का क्या नाम था, मेरे फादर का क्या नाम था और मतलब मैं किसकी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है अपने पेरेंटेज के बारे में, तो मुझे बताओ। ये एस्टर क्या करती है, पूछती है मिस्टर बार्बरी से। तो मिस्टर बार्बरी जो है बहुत ही मतलब बदतमीज टाइप से उसको जवाब देती है, बहुत ही रूखा सा जवाब देती है। कहती है कि तू ना अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थी जिसकी लिए वजह से तेरी माँ ना तेरे को छोड़ के चली गई। अब ये जवाब सुन के जो है एस्टर बहुत दुखी हो जाती है कि वो इसको किस तरीके का जवाब दे रही है, बट वो कुछ बोल नहीं पाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, करीब 2 साल बीत जाते हैं, तो मिस्टर बार्बरी का जो है वो डेथ हो जाता है। अब ये अकेली हो जाती है, इसको पता नहीं है कि मतलब इसके पेरेंट्स कौन हैं और जो मतलब जैसी भी थी उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ थी जिसके साथ वो रह रही थी, अब उसका भी क्या हो गया है, डेथ हो गया है। अब इसके डेथ होने के बाद एक आदमी है जिसका नाम मिस्टर केंज है, ये क्या करता है, आता है एस्टर से मिलता है और एस्टर से मिलके जो है उसको बताता है कि मिस्टर जो बार्बरी थी वो एक्चुअल में जो है तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं थी, वो तुम्हारी आंटी थी, तुम्हारी मासी थी। ठीक है, तो ये बात वो जान के थोड़ा शॉक हो जाती है कि वो मेरी ग्रैंड मदर नहीं थी, वो मेरी मासी। लेकिन मिस्टर केंजर उसको नहीं बताते हैं कि तुम्हारे माँ का क्या नाम था, तुम्हारे फादर का क्या नाम था, ये सारी बातें जो है उसको नहीं बताते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मिस्टर केंजर जो है वो उसको क्या करते हैं, लेके जाते हैं एक स्कूल में और वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसका एडमिशन कराते हैं। अब जो है वो एस्टर बहुत खुश रहती है कि अब जो है उसको क्या, हाँ स्कूल जा रही है और वो वहाँ जा कर के पढ़ेगी, कुछ सीखेगी और गवर्नेंस बनेगी। अब उसका एडमिशन एस्टर जो है ये एक प्रोटोगोनिस्ट, इसका एडमिशन जो है एक स्कूल में हो जाता है और अब इसके नए गार्डियन बनते हैं मिस्टर जॉर्डनाइस। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ये जो है बहुत ही जेंटल आदमी रहते हैं जो कि एस्टर से धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बहुत ही प्यार से उसको अपने साथ रखते हैं, बहुत ही काइंड और जेंटल मैन रहते हैं। अब जो है मिस्टर जॉर्डनाइस जो है इसको बताते हैं कि अब तुम्हारी स्टडीज जो है वो 6 साल कंप्लीट हो गई है, अब तुमको क्या करना है, लंदन जाना है। तुमको क्या करना है, लंदन, जहाँ पर पे मिस्टर मतलब तुमको लंदन जाना है। ये मिस्टर जॉर्डनाइस जो है वो एस्टर को बोलते हैं कि तुमने 6 साल यहाँ रही और पढ़ी, अब तुमको क्या करना है, लंदन जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक केस चल रहा है, मिस्टर जॉर्डनाइस और जॉर्डनाइस नाम का एक केस चल रहा है, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है और तुमको क्या करना है, वहाँ पे जाना है। अब क्या होता है कि ये जो है चली जाती है, लंदन जाती है। अब वो लंदन में जा कर के जो है वो मिलती है किससे, एक लड़की से मिलती है जिसका नाम एडा क्लेयर रहता है, उसका एक कज़न होता है रिचर्ड। ठीक है, उससे मिलती है, वहाँ पे जा कर के इसकी दोस्ती हो जाती है। अब लंदन में ये तीनों रह रहे हैं, एस्टर, एडा क्लेयर और उसका कज़न रिचर्ड। अब ये तीनों फ्रेंड बन गए हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। इतने में क्या होता है कि इनको मिलने जाना होता है किससे, एक लेडी होती है जिससे इनको मिलने जाता है, मिसेस फ्लाइट से, मिसेस फ्लाइट नाम की एक लेडी होती है जिससे उनको मिलने जाना होता है एक केस के सिलसिले में। तो एस्टर क्या सोचती है कि ये जो केस मुकदमा है ये बहुत ही बेकार चीज़ है, अच्छा है कम से कम मैं जो हूँ इन सब चीज़ों में फंसी नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसी फैमिली से ही नहीं हूँ या फिर मेरा ऐसी फैमिली से कोई रिश्ता ही नहीं है जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है और जो मतलब इस तरह के केस में मुकदमे में फंसे हैं, मतलब एटलीस्ट मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ जिस तरीके के केस मुकदमा में क्या है, एडा क्लेयर और उसका कज़न रिचर्ड जो है वो इन्वॉल्व है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो अब इनको क्या होता है, एडा क्लेयर को और
रिचर्ड को, ये तीनों को जो है मिलने जाना होता है किसे, मिसेस फ्लाइट से मिलने जाना होता है। अब ये मिसेस फ्लाइट से मिलने इनको जाना होता है तो वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहां से जहाँ पे ये लोग रहते हैं लंदन में, वहां से निकल जाते हैं और जा करके रुकते हैं एक लेडी के यहाँ जिसका नाम मिसेस जेलबी रहता है, ठीक है, उस लेडी के यहाँ रुकते हैं। ये लेडी बहुत ही अच्छी लेडी रहती है और ये एक्चुअल में जो है सोशल वर्कर रहती है, बट इसके घर पे क्या होते हैं, बहुत ही गंदे बच्चे सब होते हैं जिन्होंने बड़ा ही हल्ला मचाया होता है। तो ये गंदे बच्चे क्यों होते हैं इसके घर पे, क्योंकि ये एक सोशल वर्कर रहती है और चैरिटी का वर्क करती है, तो इसके घर पे क्या होते हैं बहुत ही गंदे से बच्चे। तो ये रात भर जो है ये तीनों एडा क्लेयर और एस्टर और उसका कजन रिचर्ड ये लोग क्या करते हैं, मिसेस जेलबी के यहाँ रात भर रुकते हैं क्योंकि उनको मिलना क्या होता है, मिसेस फ्लाइट से मिलना होता है। और उसके बाद जो है वो रुकते हैं और रुकने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वो कोर्ट के बाहर चले जाते हैं। अब जो है जब वो रात भर रुकते हैं वहाँ पे तो जो एस्टर है इसकी दोस्ती जो है हो जाती है मिस्टर जेलबी की जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है कैडी, कैडी के साथ जो है उसकी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे कितने लोग हो गए, चार लोग, एक तो एडा हो गई, एडा क्लेयर, उसका कजन हो गया रिचर्ड, और एक एस्टा जो कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, और उसके बाद ये कैडी जो कि मिस्टर जेलबी की बेटी है। अब ये तीनों कैडी, एस्टर, एडा क्लेयर और उसका कजन रिचर्ड वो जाते हैं किससे, कोर्ट के बाहर मिलने जाते हैं मिसेस फ्लाइट से। मिसेस फ्लाइट जो है वो एक बहुत ही बूढ़ी लेडी है, ठीक है। अब मिसेस फ्लाइट क्या करती है, उनको ले जाती है अपने घर पे ले जाती है। अब उनका घर बड़ा ही अजीब सा होता है और उनके खिड़की पे क्या होता है, मतलब जो उनका विंडो होता है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं केज में। तो मिस्टर फ्लाइट बोलती है कि ये जो बर्ड्स हैं मेरे पास सालों से है और मैंने इसको केज में रखा है, बट मैंने ये कसम खाई है कि जिस दिन जो है मैं ये केस जीत जाऊंगी, जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस वाला केस मैं जिस दिन जीत जाऊंगी उस दिन क्या करूंगी, इन सब को क्या कर दूंगी, मैं आज़ाद कर दूंगी, फ्री कर दूंगी। अब मिस्टर फ्लाइट जो है वो रहती कहाँ पे है, वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पर एक शॉप रहता है, ठीक है, और इस शॉप को चलाता कौन है, इस शॉप को चलाते हैं मिस्टर क्रूक। ये एक जाहिल आदमी होते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, बट इनके शॉप पे क्या होते हैं ना कुछ लॉ के पेपर्स होते हैं, और ये लॉ के पेपर्स किसके होते हैं, नेमो के लॉ के पेपर्स होते हैं। नेमो क्या है, एक लॉ राइटर है, ठीक है, जिसकी दोस्ती है या फिर बोलो कि जो मिस्टर क्रूक के दुकान पे आता जाता है और उसका जो लीगल वर्क होता है वो सब करता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपने को क्या करना है, याद रखना है, ये एक दूसरा प्लॉट है, ठीक है। पहला प्लॉट तो मैंने आपको बता दिया लेडी डेडलॉक वाला, और दूसरा जो है एस्टर वाला प्लॉट है जिसमें जो है किस तरीके से उसके लाइफ में स्ट्रगल होता है, वो पढ़ती है और उसके बाद जो है किस तरीके से वो लंदन जाती है एक केस के सिलसिले में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये तीनों फ्रेंड एस्टेला, एस्टर, एडा क्लेयर एंड रिचर्ड, ये तीनों कहाँ जाते हैं, ब्लीक हाउस में जाते हैं। ब्लीक हाउस एक जगह है जो कि बहुत, ये तीनों वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाकर के क्या होता है, उनका जो है बहुत ही ज़्यादा वार्मली वेलकम होता है। लंदन में ही ये जगह है, बहुत ही रॉयल सोसाइटी है, वहाँ पे लोग जाते हैं जाकर के जो है उनका बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लॉयर है टिल्कन टंकिंग हॉर्न, एक लॉयर है, किसके लॉयर है, ये लॉयर है किसके, लेडी डेडलॉक और सर लैंकास्टर के क्या है, लॉयर है। अब ये जो है मिस्टर टल्किन हॉर्न जो है वो जाते हैं कहाँ पर, वो ढूंढने निकलते हैं नेमो को ढूंढने निकलते हैं, ठीक है। लेकिन नेमो को ढूंढते ढूंढते उनको पता चलता है कि नेमो ने जो है क्या किया है, अफीम का ओवरडोज लेकर के वो मर गया है। अब मिस्टर टल्किन हॉर्न जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि जो है इसका डेथ हो गया, अब कैसे इसका डेथ हुआ, क्या हुआ। तो ये जो है मिस्टर
क्रूक जिसके यहाँ जो है नेमो आया जाया करती, नेमो का कैरेक्टर याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो ये नेमो जो है मिस्टर क्रूक के यहाँ आया जाया करते थे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट देते, तो ये मिस्टर क्रूक की जो शॉप है उसकी तलाशी लेता है और उसको कुछ उतना पता नहीं चल पाता, सिर्फ इतना मालूम होता है कि नेमो की दोस्ती एक अनाथ लड़के से थी जिसका नाम क्या था, जो था, तो वो जो को बुलाया जाता है और जो को बुला करके जो है उससे पूछा जाता है कि भाई तुम जो है सो नेमो के बारे में क्या जानते हो, मतलब वो कैसा था, उसकी डेथ कैसे हुई, ये सारी चीजें जो है वो पूछता है, जो को भी जो मालूम होता है वो उसको बताता है। उतने में जो है मिस्टर टल्किनहॉर्न को पता चलता है कि जो से क्या होती है कोई लेडी जिसने क्या है पूरे ही ब्लैक कलर के ड्रेस पहनी है वो क्या हुई है मिलने आई है, ठीक है, एक लेडी मिलने आई। अब इस जो को जो है क्या होता है पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और इसको जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है मिस्टर बैकेट उसके सामने जो है क्या कहता है जो से पूछा जाता है कि भाई तुम जो है नेमो के बारे में क्या जानते हो बताओ, और वो जो लेडी थी उसने तुम्हें मतलब कौन लेडी थी उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए, क्योंकि जो से जो है एक लेडी मिलने आई थी जिसने ब्लैक कलर के कम्प्लीटली ड्रेस पहने थे और जो है उसके हाथों में जो है क्या थे रिंग नहीं थे, ये जो थी, और वो क्या करती है जो को पैसे देती है और उससे पूछती है कि नेमो की लाश को कहाँ पे दफनाया गया है, उसका जो है ग्रेवयार्ड कहाँ पे, तो जो क्या करता है उससे पैसे ले लेता है, उसको बता देता है कि कहाँ पे जो है उसकी लाश को दफनाया गया। तो जब जब मिस्टर टल्किनहॉर्न को पता चलता है कि जो से मिलने के लिए कोई लेडी आई है तो वो क्या करता है जो को बुलवाता है पुलिस स्टेशन में, और मिस्टर बैकेट जो कि क्या है एक पुलिस इंस्पेक्टर है उनके सामने जो है जो से पूछा जाता है कि वो जो लड़की ब्लैक कलर की लेडी थी जो तुमसे मिलने आई थी कौन है वो, क्या ये वही लेडी है, देखो यहाँ पे एक लेडी है बताओ, तो क्या बोले वही लेडी है, तो जो बोलता है कि नहीं इसने क्या किया है रिंग पहन रखा है, जो ब्लैक लेडी है इसे रिंग पहन रखा, लेकिन उसने क्या किया था रिंग नहीं पहना था, वो दूसरी लेडी थी। अब यहाँ पर जो है ये प्लॉट खत्म हो जाता है, इतना याद रखो ये प्लॉट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक तीसरा प्लॉट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, एक जो ये मिस्टर जॉन डाइज है, ये मिस्टर जॉन डाइज एडा क्लेयर रिचर्डसन और एस्टन ये तीनों को क्या करते हैं मतलब तीनों के पास जाते हैं, ठीक है, और जो मिस्टर जॉन डाइज है वो हेल्प करना चाहते हैं, किसको, रिचर्ड को हेल्प करना चाहते हैं उसके प्रोफेशन को चुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है, वो तीन जगह जो है वो तीन अलग अलग प्रोफेशन चुन चुका होता है, उसको कुछ कामयाबी नहीं मिलती, तो उसका जो है वो क्या करना चाहते हैं हेल्प करना चाहते हैं, मैंने बताया था कि वो बहुत ही नेक और अच्छे आदमी होते हैं, तो वो उसका क्या करना चाहते हैं हेल्प करना चाहते हैं प्रोफेशन चुनने, बट ये रिचर्ड जो है ये बोलता है कि जो है सो नहीं मुझे कोई प्रोफेशन नहीं चुनना है, मेरा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है जॉन डाइज वाला, मेरा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और मुझे वहां से बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं उसमें से जो है हिस्सा लूंगा और फिर से मैं रिच हो जाऊंगा। इतने ही में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है एस्टर वो फील करती है कि ये जो एडा है और उसका कजन जो है रिचर्ड इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, उसको ये समझ में आ जाता है एस्ट्रा को कि एडा और जो है रिचर्ड ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही ये दोनों कजन हैं बट बोथ ऑफ देम फॉल इन लव इन टुगेदर, एंड आफ्टर सम टाइम एडा क्लियर एंड रिचर्ड ओपनली डिक्लेयर देयर रिलेशनशिप, उनका जो रिलेशनशिप होता है उसको जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो है वो क्या होते हैं कि मिस्टर जॉन डाइज जो है वो लेके चले जाते हैं इसको कहाँ पे, जहाँ पर उनका ये लंदन में जो है एक जगह पे लेके चले जाते हैं क्या करने के लिए, घूमने के लिए लेके जाते हैं। अब मिस्टर जॉन डाइज जो है वो क्या करते हैं एडा को और उसका जो एक कजन होता है जिसका नाम बताया था मैंने आपको रिचर्ड को और एस्टेला को, ये तीनों को जो है लेके कहाँ चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं हॉलीडेज पे, ठीक है, और वहाँ हॉलीडेज पे जाकर के किसके मतलब किससे मिलते हैं मिस्टर बॉयथॉर्न से मिस्टर बॉयथॉर्न हाउस से क्या करते हैं जाकर के मिलते हैं हॉलीडेज पे, और ये जो है मिस्टर बॉयथॉर्न ये कहाँ मतलब अब ये लोग कहाँ पे आ गए हैं जहाँ पर ये चारों लोग जो है
ये जो चारों लोग हैं मिस्टर जॉन डाइस, एडा क्लेयर, रिचर्ड और एस्टन, ये तीनों जो है हॉलीडेज के लिए आए हैं कहाँ पे, यही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, ठीक है जी। अजय एक्चुअली ये जो ब्लीक हाउस जो है ना, ये घर है किसका, लेडी डेडलॉक का, सर लाइकास्टर का, इनका क्या है घर है, तो उसी सोसाइटी में, ब्लीक हाउस सोसाइटी में ही वो रहते हैं। तो ये लोग कहाँ आए हैं, यहाँ पर घूमने के लिए, ये चारों जन, ठीक है, मिस्टर जॉन डाइस, एडा क्लेयर, रिचर्ड और एस्टर, ये तीनों जो है आए हैं कहाँ, घूमने के लिए लंदन में है, और आ करके क्या करते हैं, मिस्टर बॉर्थोन से क्या करते हैं, मिलते हैं। इतने ही में क्या होता है कि ये जो एस्टर है, इसको पता चलता है कि जो जो है, जो वही लड़का जो किसका था, मिस्टर नेमो का जो फ्रेंड था, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसको बेचारा गरीब है, उसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, तो ये जो है सोचती है क्या, एस्टेला सोचती है कि अब जो है उसका कोई है नहीं, तो मैं ही क्या करती हूँ, उसकी नर्स बन जाती हूँ और उसकी क्या करूँगी, देखभाल करूँगी। उसकी देखभाल करते करते इसको भी कोई बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसका फेस जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, बट इसको अपने फेस की कोई फिक्र नहीं होती, बट थोड़ा सा इसको लगता है कि वो एक लड़के से प्यार करती थी, मिस्टर उडकोट से जो है वो प्यार करती थी, और अब तो वो इतनी खराब दिखने लगी है, तो पता नहीं मिस्टर उडकोट जो है उससे शादी करेंगे भी कि नहीं करेंगे, और उसे तो ये पता भी नहीं होता है कि मैं भले ही मिस्टर उडकोट से प्यार करती हूँ, बट क्या मिस्टर उडकोट मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मतलब उसको पता भी नहीं होता। इतने में क्या होता है कि ये लोग जहाँ पे घूमने जाए गए होते हैं, तो एस्टेला क्या होती है, एस्टेला चर्च में जाती है, वहां पे चर्च में जो है उसकी मुलाकात होती है किससे, चर्च में जो उसकी मुलाकात होती है लेडी डेडलॉक से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है, वो अपने सर्वेंट के साथ, फ्रेंच सर्वेंट के साथ जो है वो चर्च आई हुई होती है, उससे मुलाकात होती है, बट जो एस्टेला होती है उसको फील होता है कि ये जो लेडी डेडलॉक है ये बहुत ही घमंडी टाइप की और लड़की है, औरत है, और ये जो क्या कहती है मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा उसको महसूस होता है, बट उसको एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता है कि शायद, मतलब पता नहीं क्यों, बट मेरा फेस जो है वो बिल्कुल ही एकदम दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, मैं किसकी लेडी डेडलॉक की तरह दिख रही, भले ये मुझे पसंद नहीं करती बट क्या करती हूँ, मैं उसकी जैसे ही दिख रही। फिर यहाँ पे से जो है सो बात खत्म हो जाती है, कुछ दिन लोग जो है वो अपना इलाज कराती है, ठीक होने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जब वो बीमार होती है तो उस जब एस्टर जो है बीमार होती है जब, तो उसको पता चलता है कि उससे जो है एक लेडी जो कि ब्लैक, पूरा फुल्ली ब्लैक कपड़े में थी, वो क्या करती है मिलने आया करती थी, ठीक है, और आ करके जो है डेली उसका हालचाल पूछा करती थी, बट वो लेडी कौन है, कैसी है, कुछ उसके बारे में किसी को पता नहीं, उसकी सर्वेंट उसको नहीं बताती। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो ये जो है क्या करती है, मिस्टर एस्टर जो है वो जाती है जंगल में घूमने के लिए। जब वो जंगल में घूमने जाती है तो वहाँ पे उसको मिलती है फिर से लेडी डेडलॉक मिलती है। लेडी डेडलॉक उससे मिलती है, उसे अच्छे से बात करती है, उसको बोलती है कि तुम बीमार थी, अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत, मुझे पता चला तुम बीमार, कैसी तबीयत है, बोलती है अभी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो बोला तो लेडी डेडलॉक कहती है तुम्हें पता है जब तुम बीमार थी तो एक ब्लैक कपड़े में लेडी जो है कोई तुमसे मिलने आती थी। तो एस्टर बोलती है हाँ, मेरी सर्वेंट ने मेरे को बताया था कि एक जो है कोई ब्लैक ड्रेस में कोई लेडी थी जो कि डेली मुझसे मिलने आती थी, अब कौन थी वो मुझे नहीं मालूम है, बट कोई मुझसे मिलने आया करता था, मैंने कभी देखा नहीं उसको, बट वो डेली आया करती थी मिलने के लिए मुझसे, और मेरा हालचाल पूछ के चली जाती थी। अब ये लेडी डेडलॉक उसको बताती है कि वो कोई और नहीं, वो मैं थी, और मैं क्यों आती थी, क्योंकि तुम क्या हो, मेरी बेटी हो, इसीलिए हम दोनों की शक्ल मिलती है, जैसे ही तुम पैदा हुई थी ना मेरी बहन मिस्टर बारबेरी तुमको जो है लेके चली गई थी, ठीक है, तुम मेरी बेटी हो, और मैं प्यार करती थी किससे, एक कैप्टन हॉर्डन नाम का एक आदमी था जो कि लॉ राइटर था, उससे मैं प्यार करती थी, और जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो तुम जो हो मेरी बेटी हो, और
मैंने ये बा और मैं तुम जो तुमको जो है मेरी सिस्टर मिस्टर बारबरी लेकर के चली गई थी, मुझसे गलती बस यही हुई कि मैंने कभी तुमको ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब ढूंढने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी शादी जो है सर लैंकास्टर से हो गई थी और सर लैंकास्टर जो है बहुत ही अच्छे इंसान, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए जो है मैंने मतलब कभी भी जो है तुमको ढूंढने की कोशिश नहीं की, तुम मुझे माफ़ कर देना। अब ये सुनकर एस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बट उसको फिर खुशी भी होती है कि चलो कम से कम मुझे पता तो चला कि मेरे माँ बाप कौन है। उतने में क्या होता है कि मिस्टर टल्किनहॉर्न वो आते हैं लेडी डेडलॉक के पास और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ कि तुम्हारा जो है वो अफेयर चल रहा था किससे, कैप्टन हॉर्डन से तुम्हारा अफेयर चल रहा था, जो कि क्या हुआ है अफीम का ओवरडोज लेकर के मर गया। तो मिस्टर डेडलॉक उसको कहती है, लेडी डेडलॉक उसको बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, क्या बक रहे हो, मैं एक जेंटिल लेडी हूँ, मैं एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी हूँ और तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हो। तो मिस्टर टल्किनहॉर्न कहते हैं कि मैं अपने साथ प्रूफ लेकर आया हूँ, मेरे पास वो सारे लेटर्स हैं जो आपने जो है ना, वो सारे प्यार भरे लेटर्स हैं जो आपने किसको लिखा है, मिस्टर कैप्टन हॉर्डन को लिखा है, ठीक है, मेरे पास सब लेटर है और मैं जो हूँ ना आपका राज फाश कर दूंगा। अब लेडी डेडलॉक जो है वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब जो बोल रहा है मिस्टर टल्किनहॉर्न वो सही बोल रहा है और वो नहीं चाहती है कि ये चीज़ें पब्लिकली ओपन हो, तो वो चुप हो जाती है और मिस्टर टल्किनहॉर्न जो है वो अपने घर जाता है। जैसे ही अपने घर जाता है ना, मतलब उसको किसी ने उसको डैगर से मार दिया है और मिस्टर टल्किनहॉर्न का डेथ हो जाता है। अब इसका जो डेथ होता है तो मिस्टर लैंकास्टर बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि इसका डेथ कैसे हुआ, क्या हुआ। ये जो है एक पुलिस को हायर करते हैं, ये पुलिस कौन होता है, यही पुलिस बुलाते हैं किसको, मिस्टर बैकेट को वो बुलाते हैं, जो कि क्या होता है एक पुलिसमैन होता है, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मतलब मुझे हर हाल में पता करना है कि मेरा जो लॉयर है मिस्टर टल्किनहॉर्न को किसने मारा और क्यों मारा है। अब ये सब मिस्टर डेडलॉक जो है देखती रहती है, बहुत परेशान होती। अब ये क्या करती है, मिस्टर डेडलॉक भाग जाती है, किसी को कुछ बताती नहीं है, भाग जाती है क्योंकि अब इसको समझ में आ गया कि इसका मर्डर हो गया है, अब जो है मेरा पोल खुल जाएगा और सर लैंकास्टर तो ऐसे भी मुझे छोड़ देगा, अब तो मतलब मेरा लाइफ खराब हो गया, तो ये भाग जाती है। तो मिस्टर जो वो पुलिसमैन होते हैं वो बताते हैं कि मिस्टर टल्किनहॉर्न को और किसी ने नहीं मारा बल्कि उसको मारने वाली आपकी बीवी थी, क्योंकि उसका जो है अफेयर था शादी से पहले, आपकी शादी से पहले नेहू नाम के आदमी से अफेयर था जिसका डेथ हो चुका है, जो अफीम का ओवरडोज लेकर के मर चुका है, और जो है उससे अफेयर था और वही बात जो है मिस्टर टल्किनहॉर्न जो है वो जान चुके थे और इसीलिए जो है उसने उसका मर्डर हो गया, और ये मर्डर किसने किया है, ये आपकी नौकरानी ने किया है और इस नौकरानी को ऐसा करने के लिए किसने बोला था, लेडी डेडलॉक ने बोला था। तो अब जो है ये बहुत ही रॉयल आदमी रहते हैं, अब ये सोचते हैं कि अभी इतनी बड़ी बात हो गई, ये सब तो जो है मेरी थूथू होगी, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और जा करके जो है उसको ढूंढो और मैं उसको माफ़ कर दूंगा, तुम जाओ और जा करके उसको ढूंढो। अब जो है वो पुलिस जाता है और जा करके उसको ढूंढता है, वो जिंदा तो कहीं नहीं मिलती है, उसकी लाश मिलती है नेमो के कब्र के पास, क्योंकि वो ठंड से क्या होती है सुकुड़ जाती है, उसको पैरालाइज हो जाता है, वो मर जाती है और वो गिरी होती है किसके, ये नेमो के पास गिरी होती है। याद करो कि इसको पता होता है कि नेमो का डेथ को बरहिल कहाँ पे किया गया, क्योंकि ये वही लेडी होती है जो ब्लैक कपड़े में आती है, जो को पैसे देती है और पूछती है कि जो है नेमो को कहाँ पे दफनाया गया, तो ये वहीं पे जाकर के उसकी लाश मिलती है। अब ये तो एक कहानी हो गई, अब फिर हम आते हैं कहाँ पे, एस्टर के ऊपर। अब एस्टर जो है सो बहुत दुखी हो जाती है कि चलो उसकी माँ का भी डेथ हो गया है। अब जो है ये मिस्टर जॉन डाइज अब जो है फील करते हैं कि एस्टर को वो पसंद करते, शुरू से ही पसंद करते थे, तो ये जो है एस्टर जो है मिस्टर जॉन डाइज जो है एस्टर को क्या करते हैं, प्रपोज
प्रपोज कर देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब एस्टर सोचती है कि मेरी माँ भी मर गई है और जो है सो मेरी आंटी का भी डेथ हो गया है, अब मैं जो हूँ जिस लड़के से प्यार करती थी, कैप्टन वुड से मैं प्यार करती थी, अब जो है वुडकॉक जो है पता नहीं कहाँ है, नहीं है, वो भी मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, और अब तो मेरी शक्ल भी खराब हो गई तो पता नहीं वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो वो क्या करती है जॉन डाई से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। इतने में क्या होता है कि ये जो एडा क्लेयर है, ठीक है, एडा क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका जो रिचर्ड कजन रिचर्ड यानी कि जो उसका लवर होता है बहुत ही परेशान होता है, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है क्योंकि वो तीन प्रोफेशंस को चेंज कर चुका होता है, उसका प्रॉपर्टी का भी जो है कुछ ये नहीं होता है, तो उसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है और वो डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डिकेंस ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो केस मुकदमा होता है एक इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है, पूरी लाइफ उसकी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर इसी बात को जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब ये डेथ हो गया इसका, अब जो है ये दोनों शादी करने वाले, पर ये जॉन डाइस जो है बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं, तो इसको ये पता चल जाता है कि एस्टर जो है वो क्या करती है, प्यार करती है किससे, मिस्टर वुडकॉक से प्यार करती है, ठीक है। तो ये खुद ही मतलब एक अच्छे इंसान रहते तो वो साइलेंट हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं तुम जो है वो प्यार करती हो किस वुडकॉक से प्यार करती हो, तो तुम हाँ तुमको जो है मुझसे नहीं बल्कि वुडकॉक से शादी करना चाहिए। अब एस्टेला और वुडकॉक की शादी हो जाती है, मिस्टर जॉन डाइस जो है इसको एक घर भी खरीद करके देते हैं और जो है उसकी नौकरी भी जो है उसको लगवा देते हैं और यहीं पर जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स डिकेंस ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है एक ये जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं वो कितने दिनों तक चलते हैं और किस जो है ये किस तरीके से लाइफ को जो है वो खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लोगों की लाइफ जो है पूरी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है और ये केस मुकदमे काफी दिनों तक चलते रहते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ये एक तरफ बताने की कोशिश की है। दूसरा ये बताया कि किस तरीके से एक इलेजिटिमेट रिलेशन जो है एक पूरा लाइफ को खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें जो है मिस्टर एक अफेयर होता है जो एक इतनी एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है, लेडी डेडलॉक जो कि एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है, एक्चुअली ये एरिस्टोक्रेटिक लेडी नहीं होती है, ये लैंकास्टर जो है वो बहुत ही एरिस्टोक्रेट होते हैं, लेकिन ये जो है एक मतलब क्या बोले जनरल फैमिली से आती है ये, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मिस्टर लैंकास्टर उससे शादी करते हैं, इसको बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन इसका जो एक पास्ट है कि इसकी इसका अफेयर था किसी से और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जो पास्ट है ये क्या करता है इसकी पूरी जो है कंजुगल लाइफ को, पूरी लाइफ को जो है क्या करता है बर्बाद कर देता है। तो ये चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है डिकेंस ने कि किस तरीके से इस एक रिलेशन एक इलेजिटिमेट रिलेशन जो है वो पूरे शादी को पूरे लाइफ को क्या करता है ख़त्म हो जाता है और हर चीज़ का क्या होता है एक एंड हो जाता है, मतलब जो गलत रिलेशन होते हैं उसके क्या होते हैं एंड हो जाते हैं। तो ये इस नॉवल में या ये सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।